पर इस शैली में लिखता है कि मानो उसका चरित्र जैसे जैसे सोच रहा है वैसे वैसे लिखता जा रहा है अंतर समझ पा रहे हैं वो केयरलेस है नहीं वो केयरलेसनेस को अपना स्टाइल बना के लिख रहा है जैसे फटी जींस पहनने वाला गरीब नहीं है वो एक महंगी जीन्स एक्स्ट्रा पैसे देकर फड़वा के पहन रहा है क्योंकि उसको केयरलेस नजर आना है और केयरलेस देखने के लिए फटी हुई जीन्स जो सीढ़ी जीन से ज्यादा महंगी आती है वो जरूरी है जैसे किसी नायक या नायिका ने अच्छे से कंगी वंगी कर ली और उसके बाद एक लट बाहर निकाल दी इसको सौंदर्य शास्त्र में कहते हैं केयरफुल केयरलेसनेस बहुत सावधानी से ओढ़ी गई लापरवाही कि हम तो ध्यान ही नहीं देते देखो ऐसे ही बाहर है ध्यान दे दिया फिर क्या होगा अभी अभी तो ध्यान दिया ही नहीं है अभी तो ये हाल है कई लड़के देखे झाड़ झंखाड़े जैसे दिखते हैं कई लड़के दाढ़ी बड़ी है बाल ऐसे मतलब घूम रहे हैं एकदम तो जटाओं की तरह से हैं कंगी वंगी कभी नहीं की है पानी लग गया बाल को तो बुरा मान जाते है कि ये एलियन एलिमेंट क्या लगा दिया बाल में हमारे कपड़े ऐसे ही हैं झोला सा लगा लिया है एक बैग फटा हुआ सा लिया हुआ है चप्पल जो स्लीपर है बहुत खराब वाला स्लीपर वो पहन रखा है और फिर चल रहे हैं और हाथ में सूटा लगा रखा है और उसको अपने आप में लग रहा है कि वो क्रांतिकारी नजर आ रहा होगा और बाकियों को लग रहा है कि ये है कौन सड़क छाप टाइप का आदमी तो अपनी अपनी कंसेप्ट है ना वो बहुत सोच समझ के ऐसा है वो जान के उबड़ खाबड़ सौंदर्य चाहता है अपने अंदर तो उबड़ खाबड़ता का भी एक सौंदर्य है इसको बोलते हैं केयरलेस स्टाइल तो जब कोई लेखक सोच समझ के लिखे किंतु इस तरह से लिखे जैसे कि चरित्र के मन में जो आता जा रहा है अनकंट्रोल लिखा जा रहा है इसको बोलते चेतना प्रभाशशाली